जिला सुकमा में सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा के मार्गदर्शन एवं किरण चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरव मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं शिखर मारवी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मरई गुड़ा के पर्यवेक्षण में सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनः नकोर अभियान के तहत सुकमा पुलिस द्वारा पुलिस नाट्य मंडली के माध्यम से ग्रामीणों के बीच जाकर नाच गा के माध्यम से ग्रामीणों को नक्सल विचारधारा से दूर अंदरूनी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में सहयोग करने, शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र किस्टा राम के साप्ताहिक बाजार में पुलिस नाट्य मंडली द्वारा नाच गान के माध्यम से स्थानीय बोली में ग्रामीणों के बीच प्रस्तुति दिया गया। बता दें कि कार्यक्रम में ग्रामीणों को विकास कार्यों में शासन प्रशासन का सहयोग करने तथा नक्सलियों के खोखली व रहने, विकास विरोधी विचारधारा से दूर रहने एवं समाज की मुख्य धारा से भटके परिवार के सदस्यों को आत्मसमर्पण कर शासन के पुनर्वास योजना का लाभ लेकर सामान्य जीवन यापन करने समझाइश दिया गया। आपको बता दें कि नक्सलियों द्वारा जल जंगल जमीन के नाम पर झूठ बोलकर ग्रामीणों को बहकाकर विकास विरोधी कार्य करवाने के बारे में जानकारी दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी भावेश शिंदे एवं किस्टाराम थाना स्टाफ उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, ग्रामीणों द्वारा सुंदर प्रस्तुति की प्रशंसा की एवं नक्सलवाद से दूर रहने का आश्वासन दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों में किए जा रहे इस प्रकार के प्रयासों की ग्रामीणों द्वारा सराहना किया जा रहा है। सुकमा पुलिस द्वारा इस प्रयास को लगातार जारी रखते हुए आने वाले दिनों में जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस नाट्य मंडली के माध्यम से ग्रामीणों के मध्य नक्सलवाद के विरुद्ध व शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।